हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके अंदर राग लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के सामने ऐसा प्रूफ लेकर आया हूँ जो आपकी ज्ञान इंद्रियों को खोल के रख देगा। चलिए शुरू करते हैं आज के दिलदार ट्यूटोरियल को। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको कार्टून स्टोरी नाम का चैनल दिख रहा होगा। इसने 106 वीडियो को डालकर 11,100 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। यह जो आप चैनल देख रहे हैं, यह मोबाइल से कार्टून्स बनाता है, यूट्यूब पर अपलोड करता है, लाखों रुपया कमा ले जाता है। किस तरीके की कार्टून बनाई जाएंगी, क्या हम बना सकते हैं, आज की वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। उसके लिए मोटिवेशन के लिए आप यहां पर प्रूफ देख लीजिए। देखिए कितने का बीपीएम चल रहा है, यहां पर आप खुद ही देख लीजिए। पर घंटे में कितना व्यूज आ रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं, 1500 व्यूज। 100x चल रहा है मेरा भाई, 20x चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा गुना स्पीड से वीडियो चल रही है। फिलहाल के लिए आप यहां पर मान लीजिए कि एक एक घंटे में इनके चैनल पर 1,00,000 व्यूज क्रॉस कर रहा है। यह चैनल पर वारी रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि हम जैसे भाइयों ने इस भैया को सिखाया और इसने सीख करके अपने चैनल को मजबूती से खड़ा करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके ले जा रहा है। सबसे पहले वीडियो वाले सेक्शन में चलते हैं। ध्यान रहे कि आज की इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो आप इस तरीके सब्सक्राइबर एंड इस तरीके के व्यूज आप हासिल करके ले जाओगे। मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर जैसे ही क्लिक करते हैं, 4.6 लाख दो सप्ते में, 3.7 लाख एक महीने में। मेरे दोस्त, कब से ये चैनल बूस्ट हुआ है, कब से? तो देखिए मोटिवेशन के लिए, देखिए यहाँ पर यह भैया भी चाहते कि हम छोड़ दें तो छोड़ भी सकते थे, लेकिन नहीं, कहते ना सफलता पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए 7 महीने में 4720, 5 महीने में 5200, 4 महीने में 5500 इस तरीके से व्यूज, और नीचे चलेंगे तो 2250 व्यूज यहाँ पर आ रहा है। आप एक बार इस चैनल पर जाइए और ध्यान रहे इस भैया को बार बार कमेंट करके परेशान मत करिएगा कि हमें सिखा दीजिए, हमने इस पर ट्यूटोरियल बना दिया। हजारों ट्यूटोरियल बने पड़े हैं, आज की इस वीडियो के अंदर पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा आपको किस तरीके से सेम एनिमेशन टू एडवांस। और यार ध्यान रहे आपको एक और जरूरी बात, यह वॉइस एआई जनरेटेड है। इसके अंदर जो वॉइस डली हुई है वो एआई जनरेटेड वॉइस है। तो आपको जानकर बहुत खुशी हो रही होगी कि एआई सी वॉइस डालकर इतनी जल्दी इतने बड़े चैनल को कर दिया, यार ये तो कमाल की बात है। तो आप यहां पर देखिए, मैं शुरू में चलते हैं, सबसे पहले नई वीडियो पर क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए एक दिन में 43,000 व्यूज। एक थोड़ी सी देर पहले मैंने देखा था तो यहां पर 42,000 व्यूज थे, लेकिन अब 43,000 व्यूज हो चुका है। जब तक ये आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, 1,00,000 पार कर चुकी होगी। तो आपने इस चैनल को देखा, आपने चैनल का नाम देखा, सर्च करिए और भैया पर जाकर कमेंट मत करिए कि हमें सिखा दो सिखा दो सिखा दो। हम सिखा रहे हैं आपको, और ध्यान से बस इस वीडियो को देखो और ध्यान से सीखो। 2 महीने के अंदर ओनली 1200 व्यूज गए। यदि यह भैया चाहते तो छोड़कर चले जाते, लेकिन आज ये चैनल इनको माला माल कर देगा किस तरीके से, वीडियो और मेहनत करके। तो चलिए अब सीखते हैं किस तरीके से ऐसी एडवांस एनिमेशन बनाई जाएंगी। सबसे पहले हम एक वीडियो को प्ले करते हैं जो कि आपको मन को भाए और आपको पता चले कैसी है स्टोरी। आएगा अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है, पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2,000 रुपए, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप, कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस 2,000। अब आपने यहाँ पर देखा कि इन जो करेक्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इनका जो माउथ है वो भी अच्छे से सेट नहीं किया हुआ है, फिर भी इतना ज्यादा व्यूज, कुछ प्रोफेशनल नहीं है, एआई से बहुत ही डाली गई है, फिर भी इतना सब कैसे? मेहनत करके। यदि यह भी चाहते तो इस चैनल को छोड़ देते, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू मेहनत करी और कंटिन्यू मेहनत करने के बाद इन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया है। अब समझते हैं क्रोमाटून के अंदर चल के कि किस तरीके से इस तरीके के एनिमेशन को बनाया जाएगा मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं।
की एनिमेशन बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल का यूज करना है। आपको अपने मोबाइल में क्रोमाटून, जी हाँ दोस्तों, क्रोमाटून एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लीज उस चैनल पर एक बार विजिट करके देख लीजिए और साबित कर लीजिए कि यह चैनल क्रोमाटून से ही बूस्ट किया गया है, नहीं तो आपके बहम का कोई ठिकाना ही नहीं। एंड ओके करना है। ओके करने के बाद आपको चार करेक्टर देखने को मिलते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपने बनाए हैं। यदि आपने नहीं बनाए नो टेंशन, हमने अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और जल्दी अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। जो चुड़ैल का, इसको हम यहाँ पर हटा देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो कौन सा है चुड़ैल का, यह है, इसे नन कर देंगे तो चुड़ैल यहाँ से हट जाएगी। जैसे आपको इस पर क्लिक करना, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्ट कस्टम का ऑप्शन, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो बटन आ रहा है इसको चेक करके लोड पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की गैलरी यहाँ पर खुल जाएगी और आपको करेक्टर को इम्पोर्ट कर लेना है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, पहला कि यहीं पर बीजी को इम्पोर्ट कर लो, दूसरा कि ग्रीन स्क्रीन को यूज कर लो। तो वो भैया तो बनाते हैं ग्रीन स्क्रीन का यूज करके, क्योंकि एडवांस एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन का यूज करके ही बनाई जाती है, लेकिन आप सभी भ्रमित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो इसलिए हमने एक तोड़ निकाला है कि यहीं पर बीजी को इम्पोर्ट करो। जहां पर मेरा कर्जर इस बटन पर क्लिक करना है, इम्पोर्ट बीजी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको अपनी गैलरी से यहाँ पर एक इमेज को इम्पोर्ट कर देना है। एंड होने के बाद इस बटन पर क्लिक कर देना है और सीबीजी के आकार को थोड़ा सा छोटा यहां पर जरूर से कर लेना है। यदि आप इस तरीके से नहीं चाहते तो ग्रीन स्क्रीन का यूज कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम यहां पर बीजी को इंपोर्ट करते हैं तो बीजी काफी ज्यादा ब्लरिंग हो जाती है, और जब भी बीजी हमारी ब्लर होती है तो कार्टून में भद्दी क्वालिटी यहां पर आ जाती है। अब कैसे काम करना है वो समझते हैं। सबसे पहले जो इन सभी करेक्टर्स के ऊपर प्लस बटन दिया गया है, इस पर आपको एक बार टैप करना है। टैप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको इनकी सभी एनिमेशन खुल करके आ जाएंगी। खुल करके एनिमेशन आएंगी तो आपको यहाँ पर आइडल लिखा है, यानी कि साइलेंट पोजीशन का ये अंदर ये बंदा खड़ा है, तो फिलहाल हम इसको साइलेंट ही रहने देंगे। एंड मैं कोई दूसरा बीजी इम्पोर्ट कर लेता हूँ जिसे कि घर के अंदर यहाँ पर दिखे, घर के अंदर का सीन काफी बेहतर रहेगा। तो मैं शुरू लेवल से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जैसे कि पहले सिखाता था। सीन बिल्कुल बन चुका है, हमने बीजी इम्पोर्ट कर लिया है, उसके ऊपर दोनों करेक्टर को सिटिंग आइडल एनिमेशन दे दी है। एंड सिटिंग आइडल देने के बाद इनको कोई एनिमेशन नहीं है, प्लस बटन पर क्लिक करना है, इनको यहाँ पर लेडी बॉक एनिमेशन दे देना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा, वीडियो क्लिप के अंदर पता चलेगा कि क्यों ऐसी एनिमेशन हम बना रहे हैं। बहुत शानदार एनिमेशन आप सभी के सामने बनने वाली। तो यहाँ पर हम लेडी बॉक एनिमेशन को खोज करके इंपोर्ट कर लेते हैं। यहां पर हम लेडी बॉक एनिमेशन को डाल दिया है। एंड डालने के बाद यहां पर इस तरीके से इसे पकड़ के खींचकर यहां लाकर खड़ा करना है। अब खड़ा करने के बाद अगली एनिमेशन इसके अंदर हमें देनी है टॉक वन, यानी कि बातें करने वाली एनिमेशन हमें इसके अंदर देनी है। यदि ऐसा इशू आप सभी के सामने आता है, इसकी आंख गायब हो जाती है, तो आप एक काम करिए, इस करेक्टर्स को दोबारा से इंपोर्ट करिए, यह प्रॉब्लम आपकी जल्दी रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो हम जाते हैं करेक्टर वाले बटन में और जहां पर हमारा देखते हैं कौन सा है, पर नन करेंगे तो यही थी, और इसी पर हम इसे दोबारा इंपोर्ट कर देंगे या फिर इस करेक्टर्स के ऊपर हम इसे इंपोर्ट करेंगे थर्ड पर। ठीक, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर प्लस बटन कर क्लिक करके फ्लिप कर देना है एंड हल्का सा इसके साइज को भी इंक्रीज कर देना है। अब इंक्रीज करने के बाद ओके करना है और यहाँ पर आपको खड़ा करके देखना कि यहाँ पर ये बातें समतुल्य रूप से करेंगे या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही है। अब आपसे वही से लेडी रन एनिमेशन आपको यहाँ पर यूज कर लेनी थी। लेडी रन इस तरीके से है, तो लेडी रन तो यहाँ हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि लेडी बॉक की हमें जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। इस तरीके से कर दी। अब यहाँ पर आकर खड़ी होगी, खड़ी होने के बाद दूसरी एनिमेशन होगी, दूसरी एनिमेशन में यहाँ पर ही खड़ी होगी और खड़ी होने के बाद यहाँ पर टॉक वन एनिमेशन देनी होगी। ध्यान से सुनिए, ऐसा मैंने पहले समझाता था लेकिन अब मैंने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन इस ट्यूटोरियल को देखते हुए, इस एनिमेशन चल को देखते हुए हमने ये सिखाना पड़ा है।
टॉकवन एनिमेशन हमें इसी दे देंगे। अब ये अपनी बातों को अपना डायलॉग है इसका, वो अपना डायलॉग पूरा करेगी। एंड इसका डायलॉग पूरा होने के बाद ये टॉकवन की जगह यहाँ पर किकली का है, यहाँ पर आइडल कर देंगे, यानी कि चलकर आई, बोली और फिर साइलेंट हो गई। अब थर्ड एनिमेशन के अंदर कौन बोले, दादी माता बोल सकती है यार, ये तो जाहिर सी बात है। तो हम जाएंगे सिटिंग आइडल वाले एनिमेशन, सॉरी दूसरी एनिमेशन पर, और दूसरी एनिमेशन में जाएंगे सिटिंग के साथ साथ टॉकिंग एनिमेशन ढूंढनी है हमको, मतलब कि बैठे हैं और बातें भी करे। तो यहाँ पर एक एनिमेशन सिटिंग टॉकिंग के नाम से, सॉरी गलत क्लिक हो गई, सिटिंग टॉकिंग के नाम से यहाँ पर, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैठे हुए दादी टॉकिंग करने लगी हैं। अब इनका भी डायलॉग पूरा होगा तो इनको भी थर्ड एनिमेशन के अंदर आपको सिटिंग आइडल कर देना है। ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को मिस मत करिए, जैसे कि ये आपको प्रॉब्लम्स ना हो। इतना आपने किया, अब इतना करने के बाद ये आपको करना है इसको थर्ड वाले कैरेक्टर पर क्लिक। पहले एनिमेशन के अंदर सेम रहना है, दूसरी एनिमेशन के अंदर आपको इसको भी टॉकिंग देना है। क्या करना है, इसको भी टॉक एनिमेशन देना है, सिटिंग के साथ टॉक एनिमेशन देना है। तो यहां पर चलेंगे नीचे को और सिटिंग टॉक एनिमेशन हमने दे दी है, और इसके बाद आपको इसे आइडल पोजीशन दे देनी है, यानी कि आइडल। तो हम नीचे हल्का सा नीचे खिसका देंगे, बाद में यह प्रॉब्लम को रिजॉल्व होती रहती है। तो हल्का सा इसका साइज को भी थोड़ा बड़ा कर देंगे, जिससे कि काफी अच्छा लगे। इस तरीके से फिलहाल हमारी एनिमेशन क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की है, यह चलकर आई, खड़ी हो गई, अपना डायलॉग बोलेंगी, यहां पर बंद हो जाएंगी। अपनी दादी माता अपना डायलॉग बोलेंगी, बंद हो जाएंगी। यह अपना रामू डायलॉग बोलेगा और यहां पर आइडल पोजीशन के अंदर खड़ा हो जाएगा, और इतना कहकर यहां से ये घर से बाहर चला जाएगा। आइडल पोजीशन के बाद आपको यहां पर रन या फिर वॉक एनिमेशन दे देनी है और से घर से बाहर निकाल देना है। तो यह एनिमेशन हमारी जानदार शानदार बनने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आज इस चैनल पर आप सभी के लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि इधर से यहां पर यहां रहेगी बिल्कुल छिपी हुई, हाथ से पकड़ करके इसे खींच कर लाना, जैसे कि यहां पर ये वॉक कर रही है, यहां पर ये ठीक इस तरीके से हम पकड़ के लाएंगे बड़े ध्यान से धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पर आकर खड़ा करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अपना डायलॉग बोलना शुरू कर देगी, और इसको रोकने के लिए आपको इस पर टैप करना है, रुक जाएगी। अब दादी माता पर टैप करना है, बोलना शुरू कर देगी, टैप करना है, रुक जाएगी। इस पर क्लिक करना है, बोल देगा, रोकने के लिए बंद कर देंगे, और फिर यहाँ पर एक बार और टैप करेंगे तो ये यहाँ पर से निकल कर चला जाएगा इस तरीके से। ओके, तो आई होप कि आपके यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग करके मिलता हूं, क्योंकि मैंने ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए तो हमसे पूछ लेना, कमेंट करके इंस्टा पर मैसेज कर देना, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, सब कुछ जानकारी आपको फ्री के अंदर दी जाती है। अब जो क्रोमा टून से वीडियो हमने तैयार करी है उसको काइंड मास्टर एप्लीकेशन में चढ़ाना है। कभी कभी प्रॉब्लम आपको यह देखने को मिलेगी कि वीडियो यहाँ पर प्ले नहीं हो पाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर चढ़ाएंगे तो वीडियो प्ले नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि पावर डायरेक्ट में जाइए इस वीडियो को, और वहाँ से एक बार एक्सपोर्ट करके ले आइए और फिर इसमें इंपोर्ट करिए। यह वीडियो हाई रेजोल्यूशन की है, आपकी डिवाइस कम सपोर्ट करती है काइंड मास्टर के अंदर, तो यह आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए करना ही करना होगा। पावर डायरेक्टर या फिर कोई अदर एप्लीकेशन में आपको इस वीडियो को सबसे पहले एक बार एक्सपोर्ट करना होगा, फिर कहीं काइंड मास्टर में आकर के इसे इंपोर्ट करना होगा। तो यह प्रॉब्लम जो नॉट प्ले वीडियो है यह इजीली रिजॉल्व हो जाएगी, तो मैं ऐसा ही करते हैं। सो यह काम करने के बाद वीडियो को इंपोर्ट कर दिया है। वीडियो इंपोर्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। ऑडियो को सबसे पहले जीरो कर देना है, पैनल जूम बटन पर जा करके इसकी क्वालिटी बाद में करेंगे। चलिए पहले इसे एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके निकाल देते हैं, जो हमारी वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ से ये लेडी चलना शुरू करी है यहाँ से, तो एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। एंड इतना करने के बाद लास्ट पोजीशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसको भी काट कर यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से, कुछ इतना हम निकाल देंगे, यानी कि लेफ्ट क्लिक कर देंगे, सॉरी राइट क्लिक। इतना करने के बाद टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे, पैनल जूम बटन पर जा करके इसे जूम कर देंगे। अब कितना जूम करना है
क्यों जूम करना है ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। यदि ना चले तो आपको जानकर खुशी होगी कि हम YouTube साइज में इसे कन्वर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना करने के बाद हमारी वीडियो YouTube साइज में बनकर तैयार हो चुकी है। टाइमलाइन पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाकर के कोई बीजी को सेलेक्ट कर देना, जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि हमारा जो कि है यूट्यूब साइज में बना है या फिर नहीं। तो बन चुका है। इतना करने के बाद अब वीडियो को प्ले करना है और देखना है कि क्या क्वालिटी बढ़िया है या फिर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पार्ट है, उन्हें हमें निकालना ही होगा। तो हमारा किस तरीके से आया है, कितनी टाइम दे करके आया है, यहाँ से इतना पार्ट एक्स्ट्रा बन रहा है तो हम एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। अब दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको करना है, पार्ट को इस वीडियो को सीन बाय सीन डिवाइड करना है, यानी कि एक सीन के अंदर यह जो लेडी है चलकर यहाँ आकर खड़ी हुई है, दूसरे सीन के अंदर यह बातें करेगी, तीसरे सीन के अंदर ये बूढ़ी माता जी बोलेंगी, चौथे सीन कर ये रामू बोलेगा और फिर पांचवें सीन के अंदर ये रामू यहाँ से निकलकर चला जाएगा। अलग अलग सीन के अंदर अलग अलग वॉइस ओवर करी जाएगी यदि आप इस तरीके से एनिमेशन को बनाना चाहते हैं तो हम वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं कि एक्स्ट्रा सीन एक सीन हमारा कहाँ तक आकर के बनकर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ आकर के हमारा एक सीन बना, हम इसे स्प्लाइट कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरे सीन की कि हमारा दूसरा सीन कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है, यानी कि जो टॉकिंग यहाँ पर समाप्त होगी वो देखेंगे कि कहाँ जाकर इसकी टॉकिंग समाप्त हो रही है, वहीं से हमारा दूसरा सीन भी कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से कुछ हमारा ये सीन देखते हैं, हैंड नीचे गया एंड ये साइलेंट हुई, यहाँ से भी सीन को कट कर देते हैं, यानी कि हमारे इस वीडियो के दो सीन क्रिएट हो चुके हैं एंड थर्ड सीन के अंदर ये दादी माता बोलना शुरू कर दी हैं। अब यहाँ पर भी इनके हम बॉस को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक इनका सीन यहाँ चलने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको इसी तरीके से वीडियो को पार्ट बाई पार्ट डिवाइडेड कर लेना है, कर दिया है। अब इसमें बारी है वॉइस ओवर करने की। वॉइस ओवर करने के लिए आपके दो पॉइंट हैं, या तो आप वॉइस ओवर को कहीं से रिकॉर्ड करके लेकर आइए, यदि आप कार्बन से रिकॉर्ड करके नहीं लेकर आ रहे हैं, आप नहीं हुए शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग बटन जो दिया गया है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रिकॉर्डिंग करने का बटन आ जाएगा। अब कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग करते समय यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि आवाज़ बंद हो जाएगी। तो मैं रिकॉर्डिंग को कट करके वॉइस ओवर को करके मिलता हूँ आपसे। एंड पहले शॉट के अंदर हम वॉइस ओवर करने चले गए थे, तो फाइनली हमने यहाँ पर वॉइस को ओवर कर लिया है। अब वॉइस को ओवर करने के बाद पहला पॉइंट है वॉइस को एडिट करना, उसके बाद कार्टून में कन्वर्ट करना एंड सही से यहाँ पर ऐड करना। यदि सही से बॉस यहाँ पर ऐड नहीं होगी तो बॉस जगह जगह कहीं कटेगी, कहीं ज़्यादा टाइम दे करके चलेगी, तो इन सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का कहा जाता है कि बॉस को एडिट करना। अब यहाँ पर एक नॉर्मल आवाज़ सुन लीजिए, कोई चेंजेस अभी नहीं है, ना तो इसमें नॉइज हटाई, कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। रामू और बूढ़ी माता घर पर बैठे थे तभी वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर वॉइस मिली है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर माइक अटैच है तो मुझे आवाज सुनाई नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, नॉइज रिडक्स करने के लिए सबसे पहले साइडियो पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर नॉइज रिमूवल लिखा है इसे आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रहे, गेट प्लगन आपको डाउनलोड करना होगा इसके अंदर। यदि आपका डाउनलोड है तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्री में हो जाता है, 2-4 MB का है बस क्रोमाटून के अंदर, 12 MB का है, तो हम इसे इंस्टॉल इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ा बहुत टाइम लगने के बाद ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो को इनहेंस कर देगा, साफ सफाई दायक आपकी वीडियो को कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने वीडियो के अंदर कुछ कीबोर्ड को धीरे धीरे बोला है, कुछ तेज बोला है, तो वो आपके कीबोर्ड को मिस कर देगा। इसलिए ध्यान रहे कि कीबोर्ड एक हिसाब से बोले जाएँ तो बेहतर रहेगा। ओके, इतना आप समझ चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पर बैक करेंगे क्योंकि हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब लोग हम जाएंगे अपने मिक्सर वाले ऑप्शन पर। बॉस को चेंज करने का सबसे बड़ा रामबाण है कि यहाँ पर मिक्सर। अब आप कह रहेंगे आपकी आवाज़ यहाँ पर और है, कार्टून में और होती है, तो
तो उसका रीजन एक बहुत बड़ा है दोस्तों, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है और कमेंट कर करके हर किसी को बता दिया कि उसका रीजन क्या है। जाइए और हमारी कार्टून्स को देखिए, समझिए रीजन। ओके, अब इसी पर हम क्लिक करना है मिक्सर पर। मिक्सर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि बॉस किसकी है। तो फिलहाल हमारा जो भी है ओनर बोल रहा है। ओनर को बोलने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पिच देना है। और एक पॉइंट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो पॉइंट है कि इसको 200 करना है और 200 करने के बाद ऑटो वॉल्यूम को 100% आपको ओपन करना है। ऑटो वॉल्यूम का मतलब है कि सभी जगह समान वॉइस हो जाएगी, ऑटो हो जाएगी, यानी अपने आप सेट कर देगा कि यह ऑडियो किस तरीके से होनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ। ऑटो वॉल्यूम फिलहाल बंद है और इस वीडियो को मैं प्ले कर देता हूँ। रामू और बूढ़ी माता घर पर बैठे, यहाँ पर आपने देखा। अब हम ऑटो वॉल्यूम को चालू कर देंगे और वीडियो को सुन लेंगे। फिलहाल आपको ऑडियो सुनाई दे पा रही होगी, चलिए। रामू और बूढ़ी माता घर पर बैठे, अब हमारी ऑटो वॉल्यूम चालू थी। तो रिजल्ट आपके सामने था कि किस तरीके की वैल्यू हमारी बनी थी। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है ये आपको मैनेज करना होगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं यदि आप वोमेन यूज करते हैं, यदि वोमेन की आवाज़ की यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वॉइस यहाँ पर चेंजर का नाम है, इस पर क्लिक कर देंगे। वॉइस चेंजर पर जाने के बाद आपको नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वोमेन की आवाज़ मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसकी बजाय आप मिक्सर से फ़ायदा लें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो फिलहाल हम इसे नॉर्मल करेंगे, जो काम अच्छा लगे वो आप काम करिए। सुरीली आती है और फिलहाल के लिए हम यहाँ पर मिक्सर का यूज करने वाले हैं। 2 या 4 या फिर यहाँ पर 12 तक है मिक्स पिच, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, पहले इतनी पिच नहीं थी इसके अंदर। 5 कर देंगे एंड इसको ऑटो वॉल्यूम को ओपन कर देंगे एंड इसे भी हाई गेस्ट कर देंगे। अब इसी तरीके से पूरी वीडियो के अंदर इस पिच को मैनेज कर करके देखेंगे। फिलहाल सुनाई नहीं दे पा रही है तो हम यहाँ पर मेन की आवाज़ को, जब भी आपकी मेन की आवाज़ को चेंज करना है मिक्सर पर चले जाना है और इधर की ओर लेकर आना है। आप इधर की ओर जैसे ही लेकर आएंगे तो आपकी आवाज़ मोटी हो जाएगी और इधर की ओर लेकर जाएंगे तो आपकी आवाज़ पतली हो जाएगी। ध्यान रखिए यह दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, प्लस पतली आवाज़, पिच माइनस तो मोटी आवाज़। ओके, एंड ऑटो वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए चालू कर देना है। यहाँ पर और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत पड़े, जिसका हमें ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर पिन का ऑप्शन है। इसे पिन लगाने से आपका जो फाइल है या आईडी हुआ है यहाँ पर चिपक जाएगी ठीक बढ़िया तरीके से, तो आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। और तो चलिए मैं आपको एक अच्छी ऑडियो एडिट करके मिलता हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल सुनाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके की आवाज़ एडिट हो रही है। तो प्लीज़ आपको जो बताया वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। सो फ्रेंड्स, हमने टोटल वॉइस को एडिट कर लिया है। चलिए वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं कि किस तरीके से वॉइस हमने एडिट करी है। चलिए। रामू और बूढ़ी माता घर पर बैठे थे, तभी वहां पर सुरीली आती है और दादी माता से कहती। तो जैसा कि आपने सुना कि वॉइस को किस तरीके से एडिट किया गया है, यह जो म्यूजिक है टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर दिया है, नो कॉपीराइट है। जाकर वहाँ से यूज कर लिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इस म्यूजिक को आप अपने कार्टून में यूज करिए। कोई भी कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आएगा। यह एक वेरीफाई म्यूजिक है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं अपनी म्यूजिक में, अपनी कार्टून में। यह यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किया हुआ है, नो क्रेडिट, कोई ज़रूरत ही नहीं। तो आप इस तरीके से इस म्यूजिक को यूज करेंगे और अपनी कार्टून की वॉइस को एडिट करके इस तरीके से सेट करेंगे। अब दोस्तों, जब हमारी ऑडियो एडिट हो गई, हर एक काम जब हो गया तो वीडियो को काम बचता है वीडियो को एक्सपोर्ट करने का। हाई से हाई रेजोल्यूशन आपको सेलेक्ट करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जल्दी आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद वीडियो को दोबारा से एडिट किया जाता है। अब वो कैसे किया जाएगा उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई भी इस कोर्स के अंदर, इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आई हो कहीं भी तो आप कॉमेंट करिए या फिर इंस्टा पर मैसेज करिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर एनी मैसेज से रिलेटेड चीज़ें हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जो भी सीखा है बढ़िया सीखा है, जर्मन सीखा है। तो चलिए आज की इस ट्यूटोरियल में बस समाप्त करते हैं, मिलते हैं ट्यूटोरियल, तब तक के लिए राम राम। रामू और बूढ़ी माता घर पर बैठे थे, तभी वहां पर सुरीली आती है
और दादी माता से कहती है, माँ देखिए ना, आज ना घर में लकड़ी है पर ना ही अन्न का दाना, अब हम कैसे रहेंगे माँ? बेटी ऐसे घबराओ मत, भगवान सबका ख्याल रखता है, हमारा भी रखेगा, एक ना एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। माँ हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतनी ज्यादा परिश्रम करी, लेकिन क्या मिला? बस वही जो हर साल मिलता है। रामू इतना कहकर अचानक से खड़ा हो जाता है और काम करने के लिए घर से बाहर चला जाता है।